वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विद हर। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन प्रोनंसिएशंस, ट्रांसलेशंस एंड वर्ड मीनिंग फ्रॉम द बुक ऑफ क्लास 8। बच्चों, आपको मैं क्लास 8 का एमपीबीएससी यानी कि एमपी बोर्ड की बुक्स से आपको मैं पाठ का ट्रांसलेशन करूंगी, उसकी वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगी और उनका सही प्रोनंसिएशन क्या है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। और आप क्या करेंगे, आपको अपनी बुक्स को ओपन कर लेना है और बुक्स ओपन करके हमारे साथ साथ ही जो मैं बताऊंगी, फेयर कॉपी नहीं तो आप नोटबुक ले लीजिए, रफ ले लीजिए और पेन ले लीजिए, और पेन लेकर के जो मैं वर्ड्स मीनिंग्स बताऊंगी उन वर्ड्स मीनिंग्स का आप वहाँ पे प्रोनंसिएशन और उनका मीन लिखेंगे। और उसके बाद जब हम पाठ का जो हम आपको उसका उच्चारण और अर्थ सही बताएंगे उसको भी आप ध्यान से सुनते रहेंगे, क्योंकि आपके पाठ के लिए, आपके क्लास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसके आंसर क्वेश्चन को भी आप समझ लेंगे तो अपने से रिटर्न कर पाएंगे और समझ पाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो क्लास 8 के बच्चों के लिए और मेनली अपने क्लास स्कूल के बच्चों के लिए मैं उनके लिए आंसर क्वेश्चन का भी वीडियो बना करके दे दूंगी, और या तो फिर ऐसे करके दे दूंगी तो आप सही सही से लिख लेंगे। तो हम चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, हम आपको क्या पढ़ाने चल रहे हैं तो वो देखेंगे आप। ये हमारे कुछ वीडियोज हैं, इन वीडियो पर आप देख लीजिएगा, आपको बेसिक्स से लेकर के पूरे एडवांस इंग्लिश एडवांस ग्रामर की जानकारी दी गई है, ये भी आप देखते चलेंगे। अब आगे हम चलते हैं, तो आगे के लिए हम चलते हैं पाठ में। तो बच्चों चलते हैं लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 में हम पढ़ेंगे अदर चांस। अनदर चांस में, अनदर चांस का अर्थ हो रहा है एक और अवसर। इसमें से दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके शुरू शुरू में, इसको मैं समझा देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें से एक बार पढ़ के बता देती हूँ, व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए लिखा है करेक्ट, ये है आपका करेक्ट। करेक्ट मीन्स आप पेन कॉपी लेके बैठिए, करेक्ट मीन्स लिखिए सही, करेक्ट मीन्स सही। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स माने गलतियां, मिस्टेक्स माने गलतियां। मैं ओरल बोल रही हूं, आप इसके मीनिंग्स को अपनी रफ ले लीजिए और बैठिए साथ में और उसी में लिखते चलिए। दूसरा देखिए शुड, शुड इसमें शुड मीन्स चाहिए, चेंज, चेंज मीन्स बदलना या परिवर्तित करना। फेलियर, फेलियर मीन्स होता है असफलता। एंड सक्सेस, सक्सेस मीन्स होता है सफलता। अब इसके अर्थ को हम बताते हैं, तो हम ट्रांसलेशन करके विद स्पष्ट क्लैरिटी के साथ इसका प्रोनंसिएशन, व्हाट शुड बी टू डू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। हिंदी अर्थ इसका, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर यदि आप सुन सकें तो हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, आंसर देख लेंगे आप, समझ लेंगे। यदि हमारे बोलते हुए आप लिख सकें तो लिख भी सकते हैं। तो आंसर इसका होगा, प्रश्न जो है, हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, तो टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स वी शुड रियलाइज देम एंड ओपन अवर सेल्फ टू न्यू अपॉर्चुनिटीज विथ अ पॉजिटिव अप्रोच। मीन्स हो रहा है अपनी भूल को सुधारने के लिए हमें उसे महसूस करना चाहिए और स्वयं को सकारात्मक दृष्टिकोण से नए अवसर को देखना चाहिए। नेक्स्ट है, अब इसकी मीनिंग्स आप लिख लिए होंगे। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन किया गया है, व्हाट शुड बी डू टू चेंज अवर फेलियर इंटू सक्सेस, मीन्स अपनी सफलता को, अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो
हमारी जो किसी चीज को हम असफल हो गए हों और उसे हमें सफलता में बदलना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आप तो लिखिए और लिख सकते हो, तो वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड एट अवर फेलियर, इंस्टेड वी शुड मेक अ फ्रेश बिगनिंग टू अचीव अवर गोल विथ अ डीप डिजायर एंड ऑल अवर हार्ट। मीन्स हमें अपनी असफलता पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा और पूर्ण समर्पण के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हिंदी में एक कविता है, एक पोयम है कि एक बार यदि हम असफल होते हैं, है ना, तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत ज्ञात ही सिल पर होत निशान। इसी तरह से हम एक बार यदि असफल हो जाते हैं तो बार बार प्रयास करने से, इंग्लिश में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यदि हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब चलते हैं आगे। इसमें से सबसे पहले आप लिखेंगे मीनिंग्स, तो मीनिंग्स में देखेंगे ऑफन Often, often, often means अक्सर या हमेशा या प्रायः। Wish, wish, wish यानी होती है इच्छा। Another, another, another यानी होता है दूसरा। ठीक, chance यानी मौका या अवसर। Chance, मौका या अवसर। Fresh, fresh यानी ताजी या नई। Beginning यानी शुरुआत या प्रारंभ। चांस तो बता दिया गया, एक बार और, चांस यानी वही मौका आ गया आपका। ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट यानी सुधारना, मिस्टेक्स यहाँ पे बताया गया, फेलियर भी बताया गया। विनिंग, विनिंग यानी विन यानी जीतना, विनिंग यानी जीतना, सफलता हासिल करना या विनिंग यानी जीत। ठीक, ये हुआ आपका। तो इसकी मीनिंग्स आपके सामने आ गई है और मीनिंग के साथ साथ अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेन करने। तो एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले एक बार हम पार्ट इसको पढ़ देते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। एक बार और देखेंगे कैसे हम इसका प्रोनंसिएशन करेंगे। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। इसका अर्थ हो रहा है आपका, हम कई बार यह चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों का, अपनी यहां से हम हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, यानी कि हमें एक दूसरे चांस की हमेशा इच्छा रहती है। अब इस यहाँ पे चलेंगे, चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, जिससे हम एक नई शुरुआत कर सके, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को एक अवसर में बदल सके, अपनी असफलता को एक जीत में, एक नई शुरुआत में, एक अवसर में बदल सके। ये हुआ इसका आपका भावार्थ। शाब्दिक अर्थ भी, यदि शाब्दिक अर्थ ये हुआ, अब भावार्थ में बता रही हूं, भावार्थ चारों लाइन से लिया जाता है, ये जो है भावार्थ चारों लाइन से। तो देखेंगे हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, हम कई बार यह चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों का को सुधारने और सफल असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए एक एक टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक और अवसर मिल जाए। ये हुआ इसका भावार्थ। नेक्स्ट, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ brand new start, it only takes a deep desire to try with all our heart। ठीक, new day यानी आने वाला कल, ये जो आपका new day है, ये new day आने वाला कल, new day आने वाला कल means tomorrow। ठीक,
टू मेक अ ब्रांड न्यू, ब्रांड यानी एक होता है संबंध, ठीक है ना, एक संबंध, ब्रांड मीन्स क्या हो रहा है, ब्रांड न्यू यानी हो रहा है बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू बिल्कुल नया, बिल्कुल नया। स्टार्ट, स्टार्ट यानी प्रारंभ या शुरू। टैक्स यानी तो ये यहाँ पे जो टैक्स लगा हुआ है, टेक का टैक्स है, ये इसका फिफ्थ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चल रहा है, टैक्स ले जाता है। डीप यानी गहरा, डीप यानी गहरा, डीप डिजायर का मतलब हो रहा है आपका, डीप डिजायर जो हो रहा है आपका, तो यहाँ पे इच्छा, तीव्र इच्छा, तो डीप डिजायर मीन्स तीव्र इच्छा, डीप डिजायर मीन्स तीव्र इच्छा। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, हार्ट मीन्स जान रहे हैं हृदय, हार्ट मीन्स हृदय, इसकी मीनिंग्स आप लिख लिए होंगे। अब चलते हैं इसका एक्सप्लेन करने, इसका एक्सप्लेन करने, देखिए एक बार पढ़ देते हैं चारों लाइन। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल अवर, मीन्स एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, यानी कि बिल्कुल नई शुरुआत, टू मेक अ ब्रांड न्यू, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय, किसी नए समय की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम सेकंड लाइन से इसका भावार्थ लेते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए एक एक नए समय या दिन की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, इसके लिए ट्राई टू विथ अवर हार्ट, इसके लिए हमें तीव्र इच्छा, इसके लिए हमें तीव्र इच्छा और समर्पण, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है, जिसके साथ इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, एक तीव्र इच्छा के साथ हम इसकी समर्पण के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये पार्ट भी, एक बार और बता दे, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इसे एक सरल शब्दों में, सरल शब्दों में भी समझ सकते हैं कि इसे एक नए दिन यानी आने वाले कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इसकी एक नई शुरुआत करने के लिए, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, हमें अपने मन में तीव्र इच्छा और समर्पण की आवश्यकता है। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट्स, और हमारे हृदय से, पूरे मनोवेग से यदि हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सफलता मिलती है। नेक्स्ट, टू लिव अ बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर, अ लिटिल यानी छोटा, बेटर यानी अच्छे से अच्छा, बेटर मीन्स अच्छे से अच्छा यानी बहुत अच्छा, बेटर मीन्स बहुत अच्छा। यहाँ पे ये बेटर जो है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री दी गई, गुड बेटर बेस्ट कॉम्परेटिव डिग्री है, और बेटर मीन्स होता है बहुत अच्छा, ठीक। ऑलवेज मीनिंग्स लिखते चलेंगे, ऑलवेज यानी हमेशा, फॉर गिविंग यानी क्षमा, फॉर गिविंग यानी, फॉर गिव यानी क्षमा, फॉर गिविंग यानी आई एन जी फॉर्म लगा हुआ है क्षमा का। फिर दिया है अ लिटिल यानी जाने, सनशाइन यानी हो रहा आपकी धूप या सूर्य की किरण, सनशाइन धूप या सूर्य की किरण। और नेक्स्ट दिया हुआ है आपका वर्ल्ड इन द विच इज द लिविंग, लिविंग यानी रहना, जीवन, लिविंग मीन्स जीवन या रहना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बार पढ़ देते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर, एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग, एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी वर लिविंग, यानी कि टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा जीना अच्छा है, एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग, हमेशा क्षम्यशील बनना चाहिए, और हमेशा क्षम्यशील बनना चाहिए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और इस संसार में सूर्य की किरण की, सूर्य की छोटी सी किरण की भांति, टू द वर्ल्ड इन विच वी वर लिविंग, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम जीवित रह रहे हैं, एक सूर्य की किरण की भांति रहना चाहिए। ये हुआ हमारा शाब्दिक अर्थ। और भावार्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे इसका, टू लिव अ लिटिल बेटर, हमें अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाने के लिए सदैव दूसरे को क्षमा करना चाहिए।
एंड इट अ लिटिल सनशाइन, और उस संसार को जहां हम रहते हैं, और उस संसार को जहां हम रहते हैं अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए, खुद वर्ल्ड इन जहां रह रहे हैं अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये हुआ हमारा भावार्थ। नेक्स्ट, तो नेवर, नेवर यानी होता कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। गिव अप, गिव अप, गिव अप यानी छोड़ना, गिव अप यानी छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये आप इसको लिख लेंगे। फिर आगे है डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी निराशा, डिस्पेयर यानी निराशा। थिंक, थिंक मीन्स सोचना। थिंक मीन्स सोचना। यू आर थ्रू फॉर देयर ऑलवेज आ टुमारो यानी जानते आने वाला कल। होप यानी आशा, होप मीन्स आशा। स्टार्टिंग अन्यू, स्टार्टिंग अन्यू यानी एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत की मीनिंग्स हो गई। अब आगे चलते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू फॉर देयर ऑलवेज आ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अन्यू। So never give up in despair and think you are through for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. इसलिए कभी निराश मत होना, इसलिए कभी निराश मत होना, और सोचो you are through कि तुमने आगे बढ़ना है, यानी तुम्हें आगे बढ़ना है। फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि एक नई शुरुआत करने की आशा के साथ, आशा के साथ एक आने वाला कल अवश्य आता है। एक नई शुरुआत करने के लिए एक आने वाला अच्छा कल अवश्य आता है। इस तरह बच्चों आपके पाठ का शुद्ध शुद्ध प्रोनंसिएशन, वर्ड मीनिंग और इनका अर्थ, और अर्थ के साथ साथ भावार्थ का भी एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जो भी ना बनता होगा आप बाय कमेंट्स भी पूछ लेंगे। जो भी इस पार्ट की मीनिंग्स होगी आपको ना समझ में आई होगी उसे बाय कमेंट पूछ लेंगे, मैं पूरा का पूरा बता दूंगी। और एक चीज बच्चों आपके पाठ में और आता है, इसके राइटर, इसके पोएट कौन है, तो पोएट को नहीं भूलिएगा और पाठ का नाम। चार लाइन की पोयम भी आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम में कक्षा 8 में आती है, तो चार लाइन की पोयम भी आप याद कर लेंगे। और इसके पोयम याद करने के बाद पाठ का नाम पूछा जाता है और इसके राइटर का, इसके पोएट का नाम पूछा जाता है। तो इसके पोएट हैं, आपको पता है, हेलेन स्टीयर राइस, हेलेन स्टीयर राइस, तथा पाठ का नाम है, लेसन का नाम है अनदर चांस, अनदर चांस। इस तरह से आप इस पाठ को बार बार पढ़िए और इसको लर्न करिए। लर्न करने के साथ साथ एक जिस तरह से इसके लिखे गए हैं पोयम को, जिस तरह से लिखा गया है उसी उसी लहजे में आपको लिखना है, उसी से लर्न करना है और इसकी वर्ड मीनिंग याद करना है और पूरा का पूरा सीखने का प्रयास करना है। बार बार अभ्यास करेंगे आपको अवश्य बन जाएगा। इसी तरह से मैं पूरे पार्ट का एक्सप्लेन करके आपके सामने लाया करूंगी, आपको समझाया करूंगी और समझेंगे। आंसर क्वेश्चन के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें से आप पढ़ लेंगे और उसको भी आंसर क्वेश्चन के लिए लिख लेंगे। और वीडियो लगातार बने रहिए, देखते रहिए और पढ़ने का प्रयास करते रहिए। जो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप स्वयं के लिए भी मेहनत करिए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।